विद दैट लेट अस ऑल्सो रेज अवर कुंडलिनी एंड टेक बंधन. कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं. After taking bandhan, again bring back your hands on the lap and see the change in vibrations. Pura dhyan haathon ke upar rakhte hain, haathon ki ungliyon ke upar, aur bandhan lene ke baad jo bhi badlav aaya hai, unko mehsoos karte hain. Now that we know our present status and we already done clearance once, but let us again do it once more. Balancing karte aur ek bar. Left hand on the lap, right hand towards Mother Earth. Left hand Shri Mataji ki taraf aur right hand Bhumi Tattva. At this point, slowly aankhe band kar sakte hain. अभी तक हम लोग श्री माता जी की फोटो की तरफ देख रहे थे, इसी के साथ स्लोली आंखें बंद कर लीजिए एंड पूरा ध्यान खुद के अंदर साक्षी भाव से हर एक छोटी चीज का बदलाव महसूस करते हैं. कोई विचार भी आ गया तो उसको भी देख लेते साक्षी भाव से. लेट अस नॉट रिएक्ट टू एनीथिंग, लेट अस गेट इनटू अ विटनेस स्टेट and try to observe every small thing happening within us. Feel free to close your eyes and try to internalize. Nothing to be done, just wait for the changes to happen on the left hand fingers. श्री माता जी आप ही कृपावंत होके हम सबकी इड़ा नाड़ी शुद्ध निर्मल संतुलित स्थिर शांत कीजिए. श्री माता जी प्लीज हेल्प अस टेक अवे ऑल द इम्बैलेंसेस फ्रॉम आवर लेफ्ट साइड इनटू मदर अर्थ. एक दो मिनट रुकते हैं और ऑब्जर्व करते हैं. लेट अस वेट फॉर ए मिनट और टू एंड ऑब्जर्व द चेंजेस हैपनिंग ऑन द लेफ्ट साइड.
एज एंड वेन यू फील्स लेट अस स्लोली मूव टू द राइट साइड. जब भी लगता है राइट साइड की तरफ जाते हैं, राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की तरफ. O Mother, by your grace, please take away all the imbalances from our right side into the sky element. Shri Mataji, aap hi krupavant hoke hum sabka pingala nadi shuddha nirmal santulit sthir shant ki. फिर से साक्षी भाव से ऑब्जर्व करते हैं राइट हैंड में जो भी बदलाव आ रहा है. वाइब्रेशंस राइट हैंड से अंदर आएंगे और पिंगला नाड़ी को क्लीन करके आकाश तत्व की तरफ लेके जाएंगे. लेट अस अगेन ऑब्जर्व द राइट हैंड फिंगर्स इन ए विटनेस स्टेट. द वाइब्रेशंस विल कम इन फ्रॉम द राइट हैंड फिंगर्स एंड क्लियर आवर पिंगला नाड़ी. Take all the imbalances into the sky element. Slowly, as soon as the pingala nadi also comes into balance, we'll see thoughts will disappear. We'll come into the sushumna, the center channel, and the sahasrara will open. जैसे ही पिंगला नाड़ी बैलेंस में आ जाएगी, विचार चले जाएंगे, हम सब सुषुम्ना में आ जाएंगे, सुषुम्ना बनेगी और सहस्त्रार खोलने का महसूस हो. जब भी बैलेंस हो जाते हैं, दोनों हाथ गोदी में लेते हैं श्री माता जी की तरफ. श्री माता जी, आप ही कृपावंत होके हम सबको संतुलन प्रदान की. श्री माता जी, प्लीज गिव अस कंप्लीट बैलेंस.
फील द चेंजेस दैट आर हैपन ऑन बोथ द हैंड फिंगर्स, दोनों हाथों की उंगलियों को महसूस कीजिए, बहुत बड़ा बदलाव आया है। सहस्त्रार के ऊपर भी एक्टिविटी चालू हो गई होगी। इसी के साथ राइट हैंड हृदय के ऊपर लेते हैं। लेट अस ऑल टेक आवर राइट हैंड ऑन आवर लेफ्ट हार्ट। एंड अफर्म अगेन दैट वी आर ऑल प्योर स्पिरिट, हम सब शुद्ध आत्मा हैं। Let us take our attention a little bit inside the body, where we have our physical heart or even our atma. थोड़ा ध्यान बॉडी के अंदर लेते हैं। और हमारे आत्मा को महसूस करने की कोशिश करते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। लेफ्ट हैंड से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, राइट हैंड से वहां जा रहे हैं। अगर गर्म है तो थोड़ा देर में ठंडा हो जाए। द वाइब्रेशंस आर कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड गोइंग टुवर्ड्स द हार्ट। इफ इट इज वार्म स्लोली इट विल कूल डाउन। हेल्प अस गेट इन टू आत्मतत्व। Let us all surrender our conditions. हम सब हमारा प्रति अहंकार छोड़ देते हैं, श्री माता जी के चरणों में अर्पण करते हैं। श्री माता जी प्लीज गिव अस प्योर नॉलेज। श्री माता जी हम शुद्ध विद्या दीजिए। राइट हैंड टुवर्ड्स श्री माता जी एंड लेफ्ट हैंड ऑन आवर लीवर। लेट अस टेक इट ऑन आवर लीवर। राइट हैंड श्री माता जी की तरफ और लेफ्ट हैंड हमारे लीवर के ऊपर रखते हैं। श्री माता जी
प्लीज गिव अस ए कूल लिवर, शांत चित्त। लेट अस ऑल अगेन रिक्वेस्ट फॉर अ विटनेस स्टेट। हम श्री माता जी से साक्षी भाव के लिए विनंती करते हैं। श्री माता जी प्लीज प्रोवाइड अस अ विटनेस स्टेट। हम शुद्ध आत्मा है, कभी भी दोषी नहीं हो सकते। वी आर ऑल प्योर स्पिरिट्स, वी कैन नेवर बी गिल्टी। Again, both the hands towards Sri Mataji and observe again what is happening on the fingers. ब्यूटिफुल। हम सब और एक बार दिल से सबको माफ करते हैं, खुद को भी माफ करते हैं। लेट अस ऑल फॉरगिव एवरीवन एंड आवर सेल्फ। लेट अस रिक्वेस्ट श्री माता जी टू गिव अस ए फॉरगिविंग नेचर। श्री माता जी हमें क्षमाशील बना दीजिए। Let us take the right hand on the top of the head and check if we can feel the vibrations, the kundalini coming out of the head and penetrating the sahasrara. Once you feel it, be over there. Left hand remains towards Sri Mataji. Feel free to take the hand as high as possible. Now that you know how it feels, now that you know where it feels, right at the top of the head, as high as possible. जैसे ये महसूस होता है सर के ऊपर क्या हो रहा है, जितना ऊपर हो सके उतना। Slowly दोनों हाथ गोदी में ले लेते हैं।
पूरा ध्यान सर के ऊपर रखते हैं और ध्यान करते हैं, और कुछ नहीं करना है, बॉडी को बोलना है सर के ऊपर जो हो रहा है उसको छोड़ के नीचे जो भी है सबको भूल जाते हैं, और हमारा पूरा चित्त स्वस्थ। लेट अस फॉरगेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग बिलो सहस्त्रारा एंड टेक अवर अटेंशन एट द टॉप ऑफ द हेड, टेक इट एज हाई एज पॉसिबल। फील एवरी स्मॉल थिंग दैट इज हैपनिंग अप देयर। Nothing to be done, just relax and keep your attention up there. If you find it difficult, then only bring it back to the fingers. और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पूरा ध्यान सर के ऊपर रखना है और जितना ऊपर हो पाए कुंडलिनी के साथ जाना है। अगर मुश्किल होता है तो ही ध्यान उंगलियों के ऊपर लेके आते। We are all part of a single Virat now. We are well connected. हम सब एक विराट रूप में श्री माता जी के साथ हैं। इसी कनेक्शन के साथ हम श्री माता जी का और एक बार दिल से थैंक्स बोलते हैं। इन दिस स्टेट एंड इन दिस कनेक्शन लेट अस अगेन थैंक श्री माता जी फॉर गिविंग अस दिस ब्लिसफुल एक्सपीरियंस, अलाउइंग अस टू कनेक्ट विथ हर एंड शावरिंग हर ब्लेसिंग्स ऑन अस। Beautiful. So those who want to continue to remain in this state, please do. जिनको कंटिन्यू करना है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इसी स्टेट में जितना देर हो सके उतना रह सकते हैं। फील फ्री टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम जूम एंड कंटिन्यू, जूम से डिस्कनेक्ट करके आप मेडिटेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो रुकना चाहते हैं और एक बार कुंडलिनी चढ़ाते हैं
Let us all raise our kundalini again. Those who want to pause, let us raise our kundalini again and take bandhan. Again, with a thankful thought to Sri Mataji, फिर से श्री माता जी को नमन करके हम रुक सकते हैं.